हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठे हैं आप। आदाब सर जी, बैठा हुआ तो हूँ सर जी। तो आप इसके पिताजी हैं, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बीच में नहीं बोलना, चुप। आप मुझे बताइए, दिन भर घर में करता क्या है? घर पे तो पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा, पढ़ता रहता है, और बताइए और करता क्या है ये घर में? जैसे बाहर ही नहीं आता है, पूरे दिन किताबों में बैठा हुआ होता है, कमरे के अंदर बंद हो जाता है अंदर ही। ये ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू। बबलू जी, आपको पता है आपका ये लड़का कितना बड़ा हरामी है? इतना हरामी है, हमारी ना जान खा जाता है ये। अगर इसके कारनामे मैंने आपको सुना दिए ना, पहले आप दो थप्पड़ मुझे मारेंगे, फिर आप दो थप्पड़ खुद को मारेंगे। समझ रहे, मैं आपसे कितनी जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या है ये, चाय? हाँ रख यहां पे। क्या है ये, दिख नहीं रहा इसमें मक्खी तैर रही है? ले जाओ इसे। एक हफ्ते पहले हमने सभी बच्चों से फॉर्म भरवाए, इसने पता क्या किया, फॉर्म पे नेम और सेक्स लिखना था। नेम तो इसने अपना ठीक लिखा, सेक्स के आगे पता है इसने क्या लिखा? इसने पता क्या लिखा है? करवा दो। क्या करवा दो अबे, क्या करवा दो? ये उम्र है पढ़ने की, लिखने की, कार्टून देखने की, क्रिकेट देखने की, फुटबॉल देखने की। ये क्या देख रहा है, हेंटाई देखता है ये? पिछले हफ्ते हमने बच्चों से एग्जाम लिया, तो हमने एक आसान सा क्वेश्चन पूछा, अगर अनायत की बीवी, उसका नाम सरिता है, तो अनायत का भाई उसको क्या कह के बुलाएगा? पूछिए जरा क्या लिखा था इसने। रुको रुको, इससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूं आपको। सरिता भाभी लिख रही है, आप बताइए, आप मुझे क्या देखता है ये, देखता क्या है ये? पापा सर, मेरा क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। पूरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों में से सिर्फ इसके ही पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सरिता भाभी के नाम का। इसके साथ इसका एक दोस्त है, उसने भी बिल्कुल सेम जवाब लिखा है, मतलब पूरे 2000 बच्चों में से इन दोनों का ही सिर्फ मिसप्रिंट था। अगर इसको पेशाब लगाए तो दूसरा क्यों जाता है इसके पीछे पीछे इसकी दोनों? बहुत तंग आ गया हूं मैं इससे। एक दिन की बात है, इंग्लिश की क्लास लगी थी, क्वेश्चन पे पढ़ा रहा था कूल ब्रीज। आपके बेटे को मैंने चेक किया क्या लिखा है, इसने लिखा है कूल ब्रेजर। जब मैं इसकी आंसर शीट पढ़ता हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं किसी पॉर्न साइट की हेडलाइन पढ़ रहा होता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है इसकी पूरी रग रग में सिर्फ अश्लीलता फैली हुई है। क्या कर रहा है ये? दिन मैंने इसको एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे, और इसने क्या किया? मैंने इससे कहा, जॉनी को अपना काम अच्छा लगा और वो करता गया, और इसने पता क्या लिखा? इसने लिखा, जॉनी लाइक हिज वर्क एंड ही डन 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 डन। क्या करता है ये? देखिए, बड़ी मुश्किल से मुझे प्रिंसिपल के कच्चे बनियान धो के जॉब मिला है। प्लीज, मैं जॉब खोना नहीं चाहता, इसे समझाइए, समझाइए इसे। रुको रुको, आप मुझे बताइए, सबसे पहला कदम मून पे नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, तो दूसरा किसने रखा होगा? जी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा दूसरा कदम भी। क्यों भाई जी, अब लंगड़ी करते हुए थोड़ी ना जाएगा चांद पे। आजकल कुछ हॉर्नी फील कर रहा है मौसम की वजह से, मौसम ही कुछ ऐसा है। अब बताए, आप और मैं भी जब बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो अभी जवान है, खुद बताइए जरा। नहीं नहीं खुद बताइए जरा, क्या करूं मैं और मेरी धर्म पत्नी, हम दोनों भी कभी कभी हॉर्नी फील कर लेते हैं। उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो, पढ़ ना पाया हो, है ना? ना लड़का बहुत काबिल है मेरा, मैं आपको कागज पे लिख के दे देता हूँ। आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप जाइए, यानी जाइए जाइए आप। खानदान है क्या ये? करवाली बेचती, चलो अबे चाय तो पिला दो कम भक्तों।
सिर्फ पागलों की फौज पाल रखी है मैंने इस दुनिया में।